माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिंक क्लासेस। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ, टाइम एंड वर्क, मतलब समय और कार्य की मेगा क्लास। इस मेगा क्लास में दोस्तों क्या है कि 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे जो जीरो लेवल से हाई लेवल तक के होने वाले, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं टाइम एंड वर्क से, वो सभी मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। और देखो, सबसे जरूरी क्या है टाइम एंड वर्क में, कि आप अगर किसी भी लेवल का एग्जाम देते हैं, चाहे तो आप एसएससी दें, चाहे आप रेलवे दें, चाहे आप बैंकिंग दें, एक क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर से पूछा ही जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। एक तो आना ही आना, दो आ जाए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर तरीके से समझेंगे एक एक कॉन्सेप्ट इसका हम समझने वाले हैं। और आपसे हम्बली रिक्वेस्ट मेरा रहता है कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, बहुत इंटरेस्ट आपको है, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें दो चीजें आपको समझाऊंगा बहुत ही बेसिक सी, इनसे सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मैं कहता हूं, माय डियर, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक है। ये किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और ये किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का करते हैं, तो हमें केवल एक पॉइंट ध्यान रखना है कि टोटल वर्क। क्या ध्यान रखना है माय डियर, कि टोटल वर्क हम कैसे निकालें। आपको माय डियर टाइम दिया है, जैसे कि इन दोनों में टाइम दिया है, तो टाइम से टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है। टाइम से टोटल वर्क ऐसे निकाला जाता है कि जो भी आपको टाइम दिया है, दो लोगों का, तीन लोगों का, चार लोगों का, उनका आप एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए माय डियर, एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम आ जाएगा 60, तो यही हो जाएगा माय डियर आपका टोटल। इसकी जरूरत आपको सबसे ज्यादा पड़ेगी। दूसरा माय डियर, अगर आपको एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, दूसरा तरीका क्या है, देखिए, अगर आपको माय डियर दिया है कि टोटल वर्क आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करना है टाइम। इस तरीके से भी हम टोटल वर्क निकालते हैं, हमको पता भी एफिशिएंसी इतनी है, ठीक है, टाइम कितना लग रहा है इतना, तो इसका मतलब टोटल वर्क। जैसे मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, मैंने कहा इसकी एफिशिएंसी अगर मैं निकालता तो 3 आती, इसकी एफिशिएंसी अगर मैं फाइंड करता तो कितनी आती, 2 आती। अब इन दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, तो इनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी है, 5, और 10 दिन मिलकर काम किया तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। ये आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना, और बाकी ज्यादा घिसले में पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले। देखिए, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ही कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड बी 9 डेज इफ बोथ वर्क टुगेदर, देन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड। मतलब ए जो है किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को अगर एक साथ करते हैं तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर होने वाली है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि भैया एक व्यक्ति ए है यहां पर और दूसरा है माय डियर कौन, बी, ठीक है। अब देखिएगा, देखना क्या है कि यहाँ पर जो टाइम आपको दिया है माय डियर, टाइम दिया है यहाँ पे 6 डेज और यहाँ पे दिया है 9 डेज। 6 डेज में ए करता है और 9 डेज में बी करता है, 6 दिन में ए कर रहा है, ये 6 दिन में कर रहा है और बी 9 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले, और हमने एलसीएम माय डियर लिया तो कितना आ जाएगा, कितना 18 आपका एलसीएम आ जाएगा, आगे। अब देखिएगा, चीजों को बड़े ध्यान से आपको समझना है कि अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी तो माय डियर हम क्या करेंगे कि हम इस 6 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3, 9 का दे देंगे डिवाइड कितना आ जाएगा, ये आगे इनकी एफिशिएंसी। और माय डियर, हमने आपको अभी बताया था, देखिए टोटल वर्क निकालते हैं तो हम करते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम, और अगर हमको टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क में एफिशिएंसी का दे देंगे डिवाइड, क्षमता, दक्षता या क्षमता बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिएगा, अब यहां से दोनों ने मिलकर एक साथ, दोनों ने, देखिए दोनों लिखा हुआ है, द बोथ, तो हमें क्या करना, दोनों की एफिशिएंसी को यहां पर डिवाइड देना,
एक एक दिन में करते थे कि इस एफिशिएंसी का डिवाइड देता तो यहाँ 6 आ जाता, इसका देता तो 9 आ जाता, भाई अलग अलग तो हमें पता था और दिया भी था हमें, लेकिन हमें दोनों का साथ निकालना है तो हमको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देंगे एफिशिएंसी को कितना 5, 5 के इसमें डिवाइड देंगे आएगा 3, 3 बाई 5, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, अगले क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं सभी में आपको ऑप्शन मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे सामने आते जाएंगे, उतना ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता चलूंगा। ये कह रहा है कि ए, और मैं हिंदी में पढ़ता हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, वो तो मैंने पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ दिया था, और अगर हिंदी मीडियम पढ़ते हुए आप या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, इंग्लिश में ये रहा हिंदी में ये रहा, क्वेश्चन क्या है। देखिए ए और बी किसी काम को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को बी और सी 120 दिनों में, सी और ए 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करें। यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि भैया ए और बी अगर उस काम को करते मिलकर तो वो काम हो जाता 72 दिन में, 72 डेज में, और बी और सी अगर उसको मिलकर करते माय डियर तो काम हो जाता हमारा कितना 120 दिन में, और सी और ए माय डियर अगर उस काम को करते तो काम हो जाता माय डियर 90 दिनों में, 90 डेज में। ठीक है, अगर हमको इनका टोटल वर्क पता करना है तो माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 360, आ गया कि नहीं आएगा। तो अगर हमें ये तो आगे ये तो था टाइम, ठीक है, अगर हमको एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो 72 का 360 में डिवाइड देंगे तो एफिशिएंसी इसकी कितनी आ जाएगी 5, इसका डिवाइड देंगे कितनी आ जाएगी 3, इसका डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 4, ये एफिशिएंसी आ गई। अब मुझे बताइए माय डियर ये जो एफिशिएंसी है वो कितने लोगों की है, डबल डबल है, तो इसका हम एक सॉल्यूशन करते हैं कि डबल डबल को अगर हम करना चाहें और हमको ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी चाहिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आने वाला। तो यहां से एफिशिएंसी अगर हम निकाले तो 7 और 5 12 हम डिवाइड दे देंगे माय डियर किसका 6 का, सॉरी 2 का, ठीक है 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 6 है, 2 का डिवाइड कर दिया सबका डबल डबल है इस वजह से 2 का यहां पे डिवाइड, हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड दे देंगे माय डियर किसका, टोटल तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे 6 है, 12 नहीं है, 12 डबल डबल है, ए और बी भी हैं, बी और सी हैं, और सी और ए डबल डबल है, तभी तो हम 2 का डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगी एफिशिएंसी तीनों की कितनी 6, जैसे हम डिवाइड दे देंगे भैया कितना आ जाएगा 60 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, तथा सी और ए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है भाई, सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा ये आपसे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, डाउट तो इसमें है नहीं कोई। देखिए कैसे कि हमको उसी तरीके से करना, भैया ए और बी जो थे वो मिलकर काम को कितने समय में कर सकते थे 10, और बी और सी हैं अगर मिलकर करते तो कितने समय में कर सकते थे 15, सी और ए माय डियर कितने समय में कर सकते थे 20, ये तो टाइम था। पर अगर हमें टोटल वर्क फाइंड करना है तो माय डियर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहां से एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, छोटी क्लास का बच्चा भी निकाल देगा एलसीएम तो। ठीक है, यहां से अगर हमको एफिशिएंसी चाहिए माय डियर तो हम क्या करेंगे, 10 का इसमें डिवाइड देंगे 6 आ जाएगी, 15 का 4 टाइम और 20 का 3 टाइम एफिशिएंसी आ गई। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जो एफिशिएंसी ना वो डबल डबल है सबकी, और हमसे सी का पूछा गया है, अगर हमसे सी का पूछा गया तो इसमें सी की एफिशिएंसी का ही तो डिवाइड देंगे, तो सी की एफिशिएंसी तो हमारे पास नहीं है भाई, ये तो डबल डबल है, यहाँ तो यहाँ से भी नहीं निकाल सकते, यहाँ भी से भी नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे माय डियर कि हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 13/2, ये तो ये टोटल 13 के 2 का डिवाइड देंगे तभी तो आएगी, तो 6.5 आ जाएगी, आ गई कि नहीं तीनों की। तो माय डियर मुझे बताइए अगर मुझको सी की फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करनी है सी की, तो मैं क्या करूंगा, ए और बी को यहां से निकाल दूंगा, तो ए और बी की एफिशिएंसी यहां पर कितनी है
देखिए कितनी है, 6। तो ए बी को अगर मैं यहां से निकाल दूं तो 0.5 सी की एफिशिएंसी रह जाएगी। तो 60 का 60 0.5 डिवाइड दे देंगे, क्योंकि सी की एफिशिएंसी जो है वो 0.5 कौन से क्रॉस होगा, 0 आ जाएगा, 5 से क्रॉस करेंगे 120 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा ठीक है। यार ऐसे होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल तरीके से, ज्यादा डाउट तो लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिएगा अब ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपको समझना। देखिए कि भैया एक इसी कार्य का 40% 12 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य का 60% 15 दिनों में कर सकता है, दोनों 10 दिन तक काम करते हैं, सी से इस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, ए और बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने समय में करेंगे, मतलब 28% कितने दिनों में करेंगे। देखिए सिंपल और अच्छा क्वेश्चन, देखिए ए किसी कार्य का 40% कितना, 40% 12 दिन, ठीक है। तो 40% का मतलब थोड़ा सा मैं समझा दे, तो 40% का मतलब होता है 2 बाई, भाई नीचे 100 लेते तो 20 से 2 और 20 से ये 5 आ जाता, कि नहीं। इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूँ। अगर मैं ए की बात करूँ माय डियर, तो ए 2 बाई 5 करता है कितने समय में, 12, तो 2 से कितना ये क्रॉस होगा, 6, ये हो जाएगा 30 आ गया। ऐसे भी माय डियर कितना भी करता है, 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/5, कितने समय में माय डियर, 15 डेज, 3 से ये कितना 5 जा। अब इससे एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई माय डियर, कि अगर ए अकेला उस काम को करता तो 30 दिन में कर लेता, बी अकेला उस काम को करता तो 25 दिन में कर लेता, लेकिन यहाँ पे तीन लोग, तो हम तीन ही लिखेंगे यहाँ पे, ए बी और कितना माय डियर, ठीक है। टाइम हमको पता किस किस का है, हमको पता ए का टाइम हम लिख देंगे यहाँ पे 30, बी का टाइम पता है हमको कितना 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। टोटल वर्क हमको चाहिए, और टोटल वर्क चाहिए तो तीनों का चाहिए, लेकिन तीनों में ये सी तो शामिल है, तो इसका मतलब इनका अगर हम एलसीएम निकाल लें तो टोटल वर्क तो आ जाएगा। टोटल वर्क इसको एज्यूम कर लेते हैं कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा टोटल वर्क। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, एफिशिएंसी हमको फाइंड कर, एफिशिएंसी अगर हमको फाइंड करनी है तो 30 का डिवाइड इसमें देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 5, इसका 6 टाइम, ठीक है। अब इससे क्या फायदा हुआ हमें एफिशिएंसी निकालने से, कि हमको इतना पता था कि भैया दोनों 10 दिन तक साथ काम करते हैं, ये दोनों मतलब ए और बी, ठीक है, कि 10 दिन तक काम साथ करते हैं, तो 10 दिन तक काम करते हैं साथ और इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 11, तो 110 ये काम कर रहे हो, ठीक है। अगर मैंने 110 इसमें से माइनस निकाल दिया, मतलब ये करते हैं और करके चले जाते हैं, तो इन्होंने 110 काम कर दिए, तो बचा कितना, 40। अब 40 जो रह गया है वो किसने किया होगा, सी ने, सी ने किया है ना, कितने दिन में, 4। तो यहां से 10 क्या आगे इसकी एफिशिएंसी, दिन ये थे काम ये था, तो एफिशिएंसी आ गई कितनी, 10 इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब हमको करना क्या है, अब उसमें कहा गया था कि इसका अगर हमें टाइम पूछा जाता, सी कितने दिन में अकेला उस काम को कर सकता था, ये क्वेश्चन बन सकता था यहां से, तो हमको क्या करना था, 10 का 150 में डिवाइड देते तो 50, ये 15 दिन में कर सकता था, लेकिन हमसे पूछा ये नहीं गया है, हमसे पूछा गया है कि भाई 28% तीनों मिलकर उस काम का कितने समय में करेंगे, तो वो काम कितना था, 150, तीनों मिलकर यहाँ से 11 और ये कितना हो जाएगा, 10, 21, और उस काम का 28%, 28% को उठाने के लिए नीचे कितना लेंगे, 100, तो ये क्रॉस कर लो, 50 से 3 टाइम, 50 से कितना, 2 टाइम, 2 से कितना, 14 टाइम, और 3 से कितना, 7 टाइम, 7 से कितना, ये 2 टाइम, कुछ नहीं रहा, 2 रह गया, इसका मतलब आंसर क्या है आपका, यही ठीक है, ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। अभी तो इंटरेस्ट आने वाला है, आगे आपको इस क्लास में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ। देखिए मेगा क्लास है, तो मेगा क्लास का मतलब लेंथी तो होने वाली है, लेकिन अगर लेंथी भी हो जाए तो एक वीडियो में ही सारी चीजें आपको मिल रही है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आपसे हमली रिक्वेस्ट तो मेरा यही रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, छोटा सा यार कह रहा हूँ मैं आपसे, कुछ ज्यादा तो मांग नहीं रहा, केवल लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए।
नेक्स्ट ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये एसएससी सीजीएल 2019 प्री का क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखिएगा भाई क्वेश्चन काफी अच्छा है। ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात, एफिशिएंसी का जो रेशियो वो 2:5:3 है, एक साथ काम करने पर वे तीनों 27 दिनों में पूरा कर सकते थे। बी और सी मिलकर उस काम के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत सिंपल है, देखने में तो ऐसा लगता है सर कैसे करें। तो ये ए बी और सी तीन लोग हैं, है कि नहीं, और इन तीनों की जो एफिशिएंसी का जो रेशियो दिया है माय डियर वो कितना दिया है, 2:5 कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है कि नहीं। और ये अगर रेशियो हमको दिया है तो इसका मतलब एफिशिएंसी का है, और हमको टोटल वर्क फाइंड करना है, तो टाइम तो है नहीं, टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लेंगे, हो जाएगी 10, ठीक है। और इसमें दे देंगे कि ये तीनों कितने दिन में मिलकर कर सकते थे, 27 का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 270 टोटल वर्क आपका। लेकिन आपसे पूछा तो ये नहीं गया, तो पूछा भैया ये गया है कि बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 भाग को कितने समय में करेंगे। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 9, यहाँ दे देंगे सॉरी 8, 5/3, 8, ठीक है। और यहां से कितना काम करना है, 4/9 ना, 4/9 कर दो भाई। अब बताओ क्या है, यहां से ये क्रॉस होगा 2 टाइम, ये होगा 9 से 30 टाइम, 30y हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 15, ऑप्शन बी आपका ठीक। ऐसे बीच में ऑप्शन देके घबरा ना जाए आप, एक फ्रैक्शन में एक ही ऑप्शन दिखा, इसको ट्रिक लेवल बहुत बताते हैं, जिस तरीके काम नहीं करती है। ये क्वेश्चन और भी अच्छा है, अच्छा है तो भैया अच्छा तो है ही, बी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है, मतलब इसकी क्षमता से 50% ज्यादा है, और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है, एक साथ काम करने पर वे तीनों कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, उस कार्य का 150% कितने दिनों में पूरा करेगी, आपसे पूछा गया। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा यहां से कलर ही दूसरा लेते हैं, क्लियर देखिए आपको, देखिएगा यहाँ पे तीन लोग हैं, ए बी और क्या है माइडियर सी। अब ध्यान से देखिए, ए 50% अधिक दक्ष है बी की तुलना में, बी की तुलना मतलब बी से ये 50% अधिक कैपेसिटी रखता है, ठीक है। सी जो है बी से 40% कम कैपेसिटी रखता है, रखता है कि नहीं, रखता है तो रखता है भैया। अब देखिए हम इसी को 100 ले लेते हैं, क्योंकि पूरा प्रोसेस इसी से हो रहा है, इससे 50% एक्स्ट्रा करेंगे तो ये 150 आ जाएगा, इसे 40% कम करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, आ गया। तो 0:0:0 क्रॉस हो रहा है और कुछ क्रॉस हो रहा नहीं हो रहा, तो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो बनेगा वो आ जाएगा 15, एफिशिएंसी तो दे रखी थी, दक्षता है तो दे रखी थी, तो एफिशिएंसी को क्रॉस कर तो एफिशिएंसी का रेशियो बनेगा, थोड़ी ना तो एल्जम निकाल के करेंगे, ये 10 और ये कितना माइडियर 6। अब देखिएगा तीनों की एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क क्या है कि भैया तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते थे, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, भैया तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ से 10 और 6 16 16 और 15 31, कितने दिन में कर सकते थे, 10 दिन। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे भैया ये नहीं पूछा गया, ये टोटल वर्क तो 310 हो गया आपका, आपसे पूछा है क्या कि भैया ये बता दो कि ए अकेला उस कार्य का 150% कितने समय में करेगा, तो एक ही एफिशिएंसी कितनी है, 15, ठीक है, उस काम का 150%, तो 150 और परसेंट हटाने के लिए चीज कितना लेंगे, 100, 0 से 0 ये 0 से ये 0, 15 से 15 बचा यार, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 18 दिनों में कर सकते, ए कार्य को आरंभ करता है तथा बाद में उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा, बारी बारी वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे सिंपल है, एक ए है और एक बी है, ठीक है,
भाई मुझे बताओ ये कितने दिन में कर सकता है? एक 12 में, और बी कर सकता है माय डियर 18 में। टोटल वर्क हमको निकालना है तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे भाई टाइम का, तो टोटल ये तो टाइम है ही है ना, टोटल वर्क हमको फाइंड करना, तो ये आ जाएगा आगे। अब माय डियर मुझे बताइए, अगर मुझे एफिशिएंसी इनकी चाहिए, चाहिए तो चाहिए भाई, बारी बारी से काम कर रहे हैं, ठीक है, वही मैं समझाऊंगा बारी बारी का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक एक करके यहां से 12 का इसमें 3 टाइम और 18 का माय डियर 2 टाइम, बारी बारी से मतलब समझ लेते, ठीक है, बारी बारी से मतलब क्या होता है। कोई सा डे चालू कर दिया, सपोज की संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। बारी बारी से करने का मतलब है कि संडे को ए कर रहा है तो मंडे को बी करेगा, ट्यूजडे को ए कर रहा है तो फिर वेडनेसडे को फिर बी करेगा, थर्सडे को ए कर रहा है तो फ्राइडे को फिर बी करेगा। ये बारी बारी का मतलब होता है, मतलब 2 दिन में ए और बी मिलकर काम करेंगे। देखिए अब देखिएगा, 1 दिन में ये कितना कर रहा था, 3, ये कितना कर रहा है, 2, मतलब ए जो है 1 दिन में कितना काम कर रहा है माय डियर, बी जो है वो 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 2, मतलब यहां से ये 1 दिन में कर रहा है, ये भी 1 दिन में कर रहा है, तो यहां से टोटल डेज देखिएगा, यहां से टोटल डेज हो गए 2, यहां से टोटल वर्क हो गया 5, ठीक है। अब देखिएगा 5 का इसमें डिवाइड दे लेंगे कि भाई 2 दिन में इतना काम हो रहा है तो 5 का डिवाइड देंगे लगभग जाएगा 7, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 7 का इसमें कर दें, यहां से पता चल जाएगा ये 14 डेज में जो काम हो रहा है वो 35 हो रहा है, ठीक है, बात आई समझ में। तो यहां से ए ने प्रारंभ किया, बी पे खत्म हो गया ए, अब नंबर किसका आएगा, देखिए मतलब 14 डेज में माय डियर फर्क हो चुका है हमारा 35 और वर्क करना था 36, तो रह कितना गया 1 जो रह गया है, ठीक है। अब किसका नंबर है, बी का, ए का, सॉरी बी पे खत्म हो गया, तो बी कितने दिन में कर रहा है, 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 14, तो है ये ऑलरेडी, वही काम बचा आपका 1/3, 14 से 1/3, ठीक है। एक और बारी बारी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, पैटर्न चेंज नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, और आपसे दोस्तों 7 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, और आपसे पहले ही कहा था बहुत ही बेहतरीन ये क्लास होने वाली है, पर आपसे हम्बली रिक्वेस्ट मेरा रहेगा वीडियो को पूरा देखिएगा, इंटरेस्ट आपको बहुत आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए ये भी साथ मिलकर, मतलब बारी बारी से, लेकिन थोड़ा समझ लेते, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, बच्चों को दिक्कत होती है, तो ऐसा भी क्वेश्चन मैंने उठा के पटक दिया है। देखिए ए बी और सी एक काम को क्रम से 30, 45 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं, काम कितने दिनों में पूरा हो जाए। देखिए इसमें कितने लोग हैं, 3 है, एक ए है माय डियर, एक बी है और एक है माय डियर कौन, सी, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से देखना तो पड़ेगा भाई, कि अगर इन, देखिए इसका जो टाइम था ए का वो कितना है 30 डेज, बी का कितना है 45, और यहां से सी का कितना है 90। अगर इनका हम टोटल वर्क फाइंड करें तो एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा माय डियर, एलसीएम यहाँ सभी लेना जानती है, मत कहना सर एलसीएम कैसे निकालें, तो बहुत तुच्छ लेवल की बात हो जाएगी के लिए, ये टाइम था। एफिशिएंसी का रेशियो बनाना है तो कितना हो जाएगा माय डियर, 30 से कितना 3, 45 से कितना 2 और 90 से कितना, ठीक है, यहां से देखना है आपको। देखिए मैंने आपको बताया था संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। देखिए इसका मतलब क्या है कि एक काम शुरू करता है और हर तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करती है, इसका मतलब ए तो सभी दिन काम कर रहा होगा, ये भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां, ठीक है, हर तीसरे दिन, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तीसरे दिन बी और सी सहायता करते, तो बी और सी तीसरे दिन उसके साथ काम कर रहे होंगे, फिर 2 दिन छोड़कर फिर तीसरे दिन बी और सी उसकी हेल्प कर रहे होंगे, यही तो है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं यार सिंपल, देखिए अब केवल आपको इतना करना है माय डियर, सिंपल सा पैटर्न है, देखिएगा ए 1 दिन पहले दिन जब काम कर रहा था कितना कर सकता था, 3,
दूसरे दिन भी मतलब एक दिन और सेकंड डे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरे दिन भी ए ने तीन ही काम किया, लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ माय डियर, ये दोनों उसकी हेल्प करने के लिए आ गए। तीसरे दिन ए और बी और सी ने काम किया, ए बी सी कितना करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, मतलब यहां से टोटल 3 डेज, ऐसे मत 6 डेज मत कर लेना, ये भी पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, ठीक है, 1 2 3 3 दिन हो गए ना यहाँ तक, ठीक है। तो टोटल 3 डेज में ये कितना काम कर रहे हैं माय डियर, यहाँ पे 6 6 12 कर रहे, 12 का इसमें हम डिवाइड दे लें कितने टाइम, 7 टाइम, 7 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, 7 के इसमें करेंगे 84 आ जाएगा, आता ही समझ में। अगर 21 डेज में 84 काम हो चुका है तो बचा कितना यहाँ से यहाँ तक 6। अब 6 काम नंबर किसका आएगा, देखिए एक आएगा नंबर ए का, ठीक है, ए ए कितना कर रहा था, 3 3 कर दिया उसने, एक दिन में 3 और कर दिया इन्हें, ठीक है, फिर दोबारा फिर ए का नंबर, फिर एक दिन में फिर 3 कर दिया, तो इसका मतलब 23 डेज में टोटल वर्क हो गया 90 90 हमको करना, तो आंसर आपका 23 डेज, ठीक है। एक बार वीडियो को रिपीट करके और देख लीजिएगा, क्लियर हो जाए, ठीक है। 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, मतलब 50% हमारा खत्म हो चुका है, 50% और रह गया है नेक्स्ट। ये सिंपल है क्वेश्चन, इस तरीके से कैसे किया जाए इसको, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को डी दिन में पूरा कर सकते हैं, अकेले ए को कार्य को पूरा करने में 8+D दिन लगते हैं और बी को अकेले 18+D दिन लगते हैं, ए 4 दिनों तक काम करता है, शेष काम पूरा करने में अकेले के द्वारा लिया गया, तो ये डी प्रॉब्लम ले रहा है ना यहाँ पे, इस डी को ही समझ लेते, देखिए एक दिन में ए जो काम कर रहा है वो 8+D कर रहा है, एक दिन में ए जो काम कर रहा है 8+D कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना होता है 1/8+D, ऐसे बी का ए का हो गया, ऐसे मैटीरियल बी का हो जाता कितना 1/18+ का डी। मुझे एक बात बताइए, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, अगर कोई ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, और कोई संख्या यहाँ पे एक्स भी दे देता है ज्यादातर जो आपसे पूछी जाती है, तो आपको कुछ नहीं कर, अगर आपको डी यहाँ से फाइंड करना है तो रूट लगा देना और ये वाले नंबर्स को यहाँ पे ले लेना मल्टीप्लाई में, 8 × 18 तो 18 × 8 144, 18 × 144 मतलब डी की वैल्यू आ गई आगे के नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, एक तो यहाँ पे ए है, ए कर सकता था 8+D और डी की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो 8 और डी कितना हो गया 8 और 12 20। बी अगर इसी काम को करता माय डियर, तो यहाँ पे 18+12 कितना हो जाएगा, मैं डी की वैल्यू 12 आ गई ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। मुझे एक बात बताइए, ये टाइम है, टोटल वर्क चाहिए तो एलसीएम लेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ सारी चीजें, टोटल वर्क लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, एफिशिएंसी फाइंड करेंगे तो 20 से कितना 60 में डिवाइड देंगे 3 टाइम और 30 से कितना 2 टाइम हो गया कि नहीं। मुझे एक बात बताइए, कहा गया है ए 4 दिनों तक काम करता है, तो ए ने 4 दिन तक काम कर लिया तो कितना 12 कर दिया, तो बचा कितना यहाँ से 12 माइनस कर देंगे 48 रह जाएगा, तो ये 48 रह गया किसके लिए बेचारे बी के लिए, बी की एफिशिएंसी कितनी थी 2 से डिवाइड दे देंगे 24 आपका आंसर आ जाए, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला बहुत ही सस्ता सा है, देखिए एक फॉर्मूला होता है D1, देखिए ये चीजें होती है यहाँ पे, एम होता है, डी होता है, एच होता है, आर होता है, और यहाँ पे डब्ल्यू होता है, और यहाँ पे पैसा, पी से मैं पैसा लिख देता हूँ, ठीक है, पी होता है ये पैसे के लिए, मनी के लिए, ठीक है। यहां से इन चीजों को समझना है कि एम वन डी वन, देखिए एम से होता है मैन, चीजों को समझ लीजिए, डी से होता है डे, एस से होता है आवर कितने घंटे काम कर रहा है, आर से होता है आपका रेट मतलब किस दर से काम कर रहा है, परसेंटेज में नहीं, परसेंट में नहीं होती है, किस दर से, ठीक है, या आप यहाँ पे एफिशिएंसी मान सकते हैं एफिशिएंसी, ठीक है, यहाँ से वर्क ये होता है और ये बताया था मैंने आपको मनी, इसे मनी, ठीक है। तो इसमें कौन सी चीजें काम, देखिए एम वन डी वन
और देखिए H और R एक ही लाइन में होते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है, M1, D1, H1 और R, ठीक है, और वर्क जो होता है वो आपका नीचे आएगा और मनी भी आपका नीचे आएगा पैसा, ठीक है, P1, ये इक्वल हो जाता है M2, D2, H2, ठीक है, और ये हो जाएगा माय डियर R2, और ये हो जाएगा माय डियर आपका कितना W2 और D2, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब हमें कितनी चीजों की यहाँ पे जरूरत है वही लेते हैं। सबसे पहले सिक्स बर्नर्स, ठीक है, सिक्स आवर्स ये रेट में आ जाए, किस दर से मतलब कितना काम, ठीक है, और एट डेज, ठीक है, 450 पैसा नीचे आ जाए, ठीक है, तो सिक्स बर्नर जला सकता है, सिक्स बर्नर बना नहीं सकता, बनाने की बात होती है वर्क में आ जाता है, ठीक है, वर्क नहीं चला सकता, ठीक है, तो सिक्स इंटू कितना आ जाएगा, सिक्स इंटू एट, ठीक है, इक्वल आ जाएगा माय डियर आपका, और यहां से पैसा कितना लग रहा था जलाने में 450, तो पैसा आ जाएगा नीचे, यहां से पूछा गया 625 रुपीज, तो रुपीज तो नीचे आएगा 625, और ये आ जाएगा 10 इंटू कितना माय डियर 5 इंटू आपसे पूछा गया गया कितने बर्न बर्नर को एक्स, ठीक है। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस करना, बच्चा भी क्रॉस कर ले, ठीक है, यहां से माय डियर हम क्रॉस करेंगे तो यहां से 5 से हो जाएगा 125, ठीक है, और यहां से ये क्रॉस होगा माय डियर आपका 25 से, 5 से कर देता हूं पहले, नहीं लेंथ ही हो जाएगा, 5 से करेंगे तो माय डियर ये आ जाएगा 59 जा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है, और 5 से हो जाएगा माय डियर ये 25, 5 से हो जाएगा माय डियर ये 2, 5 से हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो गया। यहां से अब क्या रहेगा, यहां से रहेगी आपका 3 और ये 18 से पूरा ये 5 से माय डियर हो जाएगा ये 5, क्या रहेगा यहाँ पे केवल 8 रहेगा, एक्स इक्वल कितना आ गया, ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना है, सिंपल है, अच्छा है, तो सिंपल तो हो गया। कुछ व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी जाए तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में उसी काम को पूरा करने में प्रतिदिन कितने घंटे काम करना, आप हिसाब से पूछेगा, सॉरी, देखिएगा करना सिंपल है आपको, देखिए मैन नहीं है, कुछ व्यक्ति हैं तो मैन आप ले लीजिए 100%, क्योंकि यहाँ पे परसेंट की बात हो रही तो परसेंट से सारे 100 ले लीजिए, ठीक है, 100 ले लेते हैं मैन, ठीक है, तो यहां से देखिए एम डी एच वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहां से 100 मैन अगर होते, ठीक है, तो 9 घंटे काम करके किसी काम को 34 दिन में पूरा कर सकते थे। अगर उसने कहा कि 40% कम कर दी जाए व्यक्तियों की संख्या, तो 40% कम करें कितना रह जाएगा 60, तो शेष व्यक्ति 40% कम कर दे तो शेष कितना रह गया 60, 51 दिनों में कितने घंटे में उस काम को कर देते, तो यहां से माय डियर ये हो जाएगा 0 से 0 17 51 17 2 34, 2 से कितना हो जाएगा ये 3, ठीक है, ये हो जाएगा 9, 9 से ये 9 कट जाएगा तो एच बराबर आ जाएगा 10, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, क्रॉस करना, बच्चा भी क्रॉस कर ले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे 11 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही कम समय में, देखिए समय हमारा 37 मिनट में हमने 37 से कम 30 से और 35 के बीच हमने कवर कर लिया, ठीक है, और देखिए ज्यादा टाइम भी का क्लास है तो इसका मतलब ज्यादा लेंथी नहीं कराऊंगा, सारी चीजें क्लियर कराऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कराऊंगा, एक पॉइंट आपको बताऊंगा, ठीक है, देखिए वो सुना है ना आपने एक डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने, जो बोला जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, डायलॉग का मानते हूँ, कभी कभी मोटिवेट कर देता हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं, 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये है, तो यहां से एफिशिएंसी निकालना बहुत ज्यादा, तो इसको करेंगे कैसे, सबसे जरूरी तो मेथड क्या होना चाहिए,
पांच पुरुष देखिए फाइव मैन जो हैं वो किसी काम को कर सकते हैं सिक्स डे, ठीक है, वर्क हो गया ये टोटल वर्क, ठीक है, जबकि टेन दस महिला है, मतलब टेन वुमेन जो हैं उसी वर्क को टेन वुमेन टेन वुमेन डब्ल्यू लिखते तो मल्टीप्लाई लगाना चाहे लगा दी नहीं तो हटा दीजिए, ठीक है, दोबारा लिखता हूं, ठीक है, टेन वुमेन उसी वर्क को कितने समय में कर सकती हैं, तो ये भी वर्क वर्क बराबर है तो इनको इक्वल लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, फाइव से फाइव क्रॉस हो जाएगा माय डियर, टू से ये फाइव, टू से ये थ्री, ये आ जाएगा थ्री एम इक्वल आ जाएगा फाइव डब्ल्यू, ठीक है, सॉरी देखिए इसका मतलब एम एम की एफिशिएंसी मतलब मेन की एफिशिएंसी होगी फाइव और वुमेन की होगी माय डियर थ्री, एफिशिएंसी आ गई। अब यहां से देखिए पूछा गया है आपसे कि पांच महिलाएं तीन पुरुष, ठीक है, फाइव वुमेन और थ्री मैन, उसको आपको कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया मिलकर, मिलकर ही तो करेंगे भाई, तो मिलकर करेंगे तो फाइव मैन फाइव वुमेन, ठीक है, और थ्री मैन उस काम को मिलकर कितने दिन, दिन को मान लीजिए डीआर करेंगे। अब वर्क इसके बराबर रखा जाएगा तो वर्क कौन सा था, या तो ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, तो ये ले लेंगे फाइव एम इंटू कितना सिक्स ले लेंगे, ठीक है, या फिर पूरा आप ये ले लीजिए, बात तो वही है। अब यहां से करना क्या है, सिंपल हो जाता है यहां से और ज्यादा, कैसे हो जाएगा कि फाइव का फाइव वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है थ्री प्लस थ्री का थ्री मेन की एफिशिएंसी कितनी है फाइव यहां से इंटू टी और ये फाइव का फाइव मेन की एफिशिएंसी कितनी है फाइव ये कितना सिक्स ये हो जाएगा फिफ्टीन फिफ्टीन थर्टी थर्टी इंटू डी इक्वल हो जाएगा फाइव इंटू ये थर्टी थर्टी से थर्टी क्रॉस हो गया तो डी इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा, ये आंसर आ, ठीक है, जितना हो सकता था जल्दी मैं करा सकता हूँ क्वेश्चन को, पूरा पैटर्न आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सबसे जरूरी तो पूरा पैटर्न आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट और भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ एफिशिएंसी बनानी पड़ेगी, बहुत खतरनाक एफिशिएंसी। तीन पुरुष चार महिलाएं और छह लड़के मिलकर किसी काम को पांच दिन में कर सकते हैं, ये करते हैं लिख गया है कर सकते हैं, ठीक है, एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे दोगुना काम करती है और पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम, तो यहां पर कौन कौन है, एक तो मेन है एक वुमेन है माय डियर और एक आपका बॉय है, ठीक है, तीनों चीजों को बहुत ही बेसिक थोड़ा सा बढ़ा ले हो जाए, एक तो मेन है एक वुमेन है एक बॉय है, अब चीजों को बड़े ध्यान से आपको समझना, इसने कहा है एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे दोगुना काम करती है एफिशिएंसी, ठीक है, मैन से जो वुमेन है वो डबल दो गुना काम करती है, ठीक है, और एक पुरुष जितना की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है, मतलब मेन से हाफ काम कौन करता है लड़का, ठीक है, अगर ये इससे हाफ है, अगर ये दस दिन कर रहा है तो ये पांच, ये आठ तो ये चार, ठीक है, एफिशिएंसी समझ रहे हो मेरी बात को, एफिशिएंसी, ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको एक मान लूं तो इससे डबल ही तो है भाई, फाइव तो टेन, ये टेन तो ये फाइव, ये ट्वेंटी तो ये टेन, तो हाफ ही तो है, तो ये वन इसको हम करें तो टू ये होगा, और वुमेन जो है वो इससे डबल काम कर रही तो कितना फोर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी आ गई तो कुछ नहीं है भैया। अब आपसे पूछा गया है कि टोटल वर्क हमें पता करना, टोटल वर्क के लिए हम आइडिया क्या करेंगे कि थ्री मैन थे फोर वुमेन थी और सिक्स बॉय थे, उस काम को मिलकर कितने दिन में पांच दिन में कर सकते थे, तो यही काम पूछा गया है कि कितनी महिलाएं के लिए सात दिन में पूरा करेंगी, तो कितनी महिलाएं, कितनी मतलब एक्स महिलाएं मतलब एम, उस काम को कितने दिन में सात दिन में पूरा करेंगे, उस काम को सात दिन,
देखिए रखते जाएंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे, आंसर आता है। एम की एफिशिएंसी कितनी है? 2। और वुमेन की कितनी है? 4। बॉय की कितनी है यहाँ पे? 1। ये ब्रैकेट क्लोज, ये 5 का आपका 5 एक्स मेन, ठीक है। ये कितनी महिला पूछा गया, देखिए मैंने एम लिख दिया यहाँ पे, ये गलत हो जाता अभी, ये वुमेन है ठीक है, महिलाओं को वुमेन बोला जाता है। तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 4 × 7, ठीक है। ये एक्स है, इसको ना समझे यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये एक्स है, ये 6, ये 16 और ये 6, और ये हो गया 6 × 6 = 12, ये 28 बना हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा माय डियर 28x, 28x बराबर 5 कहां गया? ऑप्शन डी, ठीक है। दो क्वेश्चन और रह गए, इनको और देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है, सर इसको हम करें कैसे, ये तो करें कैसे। देखिए, ए बी और सी अकेले 40 50 60 दिनों में काम पूरा करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 5 दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, उन्हें पूरा काम के लिए 4800 रुपए मिलते हैं, तो सी का हिस्सा आपको बताना। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे पहले तो तीनों को लिखेंगे, भैया एक तो ए है, एक मेरे भाई बी है, एक मेरे भाई सी है। ये 40 दिन में कर सकता है, ये 50 दिन में कर सकता है, और ये 60 दिन में कर सकता है, ठीक। टोटल वर्क अगर हमको चाहिए माय डियर, तो ये इनका जब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं भैया कितना आएगा, 6 × 5, देखिए 0 को हटा दे तो ये आ जाएगा, ये तो 2 × 12 = 12, 5 × 7 = 600 आ जाएगा, ठीक। कभी कभी मुझे भी टाइम लग जाता है यार, टाइम है एलसीएम निकालने, एफिशिएंसी फैक्टर का 40C कितना? 40C हो जाएगा 15, एफिशिएंसी 50C 12 टाइम जाएगा, 60 × 10, ठीक है। एफिशिएंसी आपकी, अब देखिएगा बड़े ध्यान से मेरी चीजों, मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए ये कह रहा है 5 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, तो इन्हें 5 दिन तक तो काम किया होगा, कितना होंगे? 75। बी 3 दिन पहले काम छोड़ जाता है, तो बी ने ये 3 दिन काम किया नहीं है, तो ये तो काम में से माइनस होगा 75, ये तो काम कर दिया इसने, इसको निकाल देंगे बाहर काम को, कि भैया काम करके चला, ठीक है। अब ये जो है बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम पूरा होने से पहले 3 दिन छोड़, तो किसने छोड़ा? बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब 36। तो बी से कहेंगे भाई अपना काम आके कर, पर यहाँ पे काम आके कर तो जोड़ेंगे इसको, पहले में ऐड इसीलिए किया जाता है कि भैया तू छोड़ के चला गया, इसको कर आके, तो उसका काम बढ़ जाएगा ना, पहले छोड़ के जाए तो काम बढ़ जाएगा। तो यहाँ से 21 ये आएगा, अब 6 × 5 = 5 और 36 51 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 56 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे कैपेसिटी का किसका हम डिवाइड, एफिशिएंसी का किसका डिवाइड देंगे, जरूरी तो ये है ना एफिशिएंसी। देखिए तो ये जो छोड़कर चला गया, इसकी एफिशिएंसी का डिवाइड नहीं देंगे, जो रह गए थे दोनों, यहाँ इसका काम बढ़ा दिया ना, ये मत कहना कि आप ये छोड़कर चला गया तो सी का यहाँ पर डिवाइड देंगे, नहीं 22 का यहाँ पर डिवाइड देंगे, तो 11 से ये 5, 11 से ये 1, 11 से 2 51/2। आप देखिएगा बड़े ध्यान से, बात क्या है कि 51/2 डेज तो काम किया होगा किसने? सी ने, कि भाई सी तो छोड़कर गया नहीं था, बाकी यही दोनों तो छोड़कर गए थे। तो यहां से देखिएगा ध्यान से दोस्तों, कि आपको करना क्या, करना केवल इतना है कि भैया
सी की एफिशिएंसी कितनी थी 10, टोटल वर्क कितना था 600। यहां से देखिए 0 से 0 और 3 से कितना 17 और 3 से कितना हो जाएगा माय डियर कितना 20, ये हो जाएगा आपका 40। 17 अपॉन कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। जो पैसा है वो कितना है 448 इसके बराबर। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी माय डियर कितनी आएगी, ठीक है, 4×4 × 8 तो 12,000 का इसमें हम कर देंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा 20,400। ठीक है, सॉरी 12,000 नहीं 1200 आएगा। ठीक है, 1200 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 20,400। ठीक है, फिर 12,000 से ये 2,40,000 आ जाता है। ठीक है, 2,04,000 आ जाता है। ये 14 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, एक लास्ट रह गया जो कि मजेदार है। भले लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, लेकिन जब वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, ये काम करके लग गया इसमें कोई प्रॉब्लम, मिलकर करते हैं तो वे किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि अपनी दक्षता की आधी क्षमता और ए अपनी दक्षता की आधी क्षमता और बी अपनी दक्षता की 6 गुनी क्षमता से काम करता है तो उन्हें काम करने में निर्धारित समय से, जो निर्धारित समय था ना काम करने का 20, उसके 33 से 1/3% समय लगता है, तो ए अकेले इस काम को कितने समय पूरा करे। देखिए ए और बी है, अब देखो इसको एम डी एच वाले फॉर्मेट से करते हैं, एम डी एच मसाले वाले से। ठीक है, सिंपल है। देखिए ए और बी साथ काम करते हैं, ए और बी की जो क्षमता है वो इतनी की इतनी है, अगर साथ मिलकर काम करते तो उस काम को 20 दिन में कर देते कि नहीं। लेकिन इसने कहा ए अपनी क्षमता के अपनी दक्षता की आधी क्षमता, मतलब जो भी उसकी कैपेसिटी उसकी आधी, ये अपनी कैपेसिटी से आधा काम करता है और बी अपनी कैपेसिटी से 6 गुना, बी अपनी कैपेसिटी से 6 गुना, तो काम जो है, ठीक है, तो उस काम को निर्धारित समय के, निर्धारित समय कितना था 20, उसके 33 से 1/3 कितना होता है 1/3, ये तो जानते हो ना 1/3 में कर रहे हैं। तो यहां से अब ये सिंपल हो जाएगा, समझने वाली बात है। देखिए ए और बी मिलकर काम करते तो 20 दिन में कर सकते थे, टोटल वर्क आ गया, ये अपनी आधी क्षमता से 6 गुनी क्षमता से तो इस काम का इतना कर देते, ये भी टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो यहां से 20 से 20 क्रॉस हो गए, बच्चा ही बता, ये हो गया ए प्लस का बी, ये हो गया एल से हम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माय डियर 2 से कितना यहाँ पे ए का ए, यहाँ से आ जाएगी 12 इंटू हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2 × 6, तो 6 का मल्टीप्लाई होगा इसमें 6a + 6b ए प्लस का 12। ठीक है, और माइनस प्लस तो बच्चा भी जानता है, देखिए ए धरा के माइनस होगा, ये आ जाएगा 5a, ये आ जाएगा 6b, हो जाएगा a अपॉन b, तो a की जो कैपेसिटी है वो 6 है और b की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 5 है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि a अकेले इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए ऑप्शन में रफ हो गए इसके साथ, तो a अकेले इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, अकेले इस काम को कितने समय पूरा करेगा, तो काम कहां से निकालेंगे, ये 20 दिन में कर सकते थे और दोनों की कैपेसिटी कितनी है, आपसे मिला के 11, ठीक है नहीं। और किसका पूछा गया है, पूछा गया मेरे भैया किसका, ए का, ए की कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे 6 है, ठीक है, 2 से कितना 10, 2 से कितना 3, ये हो जाएगा 110/3, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3×3 = 9 हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखते 3×3 = 9 और यहाँ से 2×3 = 6 = 2/3 हो जाएगा, 36 2/3 36 2/3 36 2/3। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट ये 15 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में चलते हैं, देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो क्वेश्चन होने वाले ये कॉन्सेप्ट था, उसके बाद 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ये हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है माय डियर स्टूडेंट कि हमने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाया था स्टार्टिंग में, और हर टाइप के एक ही क्वेश्चन वीडियो में मैंने डाला हुआ है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो ये जो है पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर से कहूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।